नमस्कार, राम राम। कैसे हैं किशन भाइयों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 4 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार। फिर आज हूँ एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर। आज जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कहां कहां के प्याज क्या क्या भाव आज बिक रहे हैं और क्या क्या भाव आज खुला है प्याज का किशन भाइयों, और कितनी गाड़ियों की आवक पहुंची है दिल्ली आजादपुर मंडी में। बिल्कुल कम्प्लीट और सटीक जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं किशन भाइयों, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सुबह सुबह जो है प्याज के भाव क्या रहे। तो अपडेट को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कहां कहां के प्याज क्या क्या भाव आज बिक रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात करेंगे आमदनी की। आज भी जो है कल की अपेक्षा आमदनी कम पहुंची है और ऊपर नीचे बैलेंस को मिलाकर टोटल जो गाड़ियां बिक्री के लिए खड़ी हैं वो 90 से 100 गाड़ियां खड़ी हैं। अगर प्याज के भाव की बात करें तो जैसा कि आज दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव में कल की अपेक्षा आज भी जो है 1 रुपए से लेकर 2 रुपए की तेजी बनती दिख रही है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे नासिक के प्याज की। तो आज जैसा कि आप इस क्वालिटी को देख रहे हैं, ये नासिक के प्याज की क्वालिटी पड़ी हुई है किसान भाइयों, और ये दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति मन के हिसाब से किसान भाइयों नासिक के प्याज या मध्य प्रदेश के प्याज या पुणे के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 1320 रुपए से लेकर 1410-20 रुपए प्रति मन के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के रेट रहे किसान भाइयों। नासिक के जो प्याज मीडियम साइज वाले प्याज हैं किसान भाइयों, उनका भाव आज सुबह सुबह जो है 1200 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति मन के हिसाब से, और जो चोपड़ा यानी के वाले मीडियम वाले प्याज हैं किसान साथियों, उनका भाव आज 1000 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति मन के हिसाब से। अगर हम किलो के हिसाब से बात करें किसान साथियों नासिक के प्याज के चोपड़ा प्याज की, तो 25 रुपए से लेकर 27-28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के भाव। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो आज मध्य प्रदेश के प्याज की गाड़ियां जो पहुंची हैं 15 से 20 गाड़ियां पहुंची हैं किसान भाइयों, और प्याज के भाव की बात करें मध्य प्रदेश के प्याज का भाव किसान साथियों 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति मन के हिसाब से, यानी किलो के हिसाब से बात करेंगे किसान भाइयों, 33 रुपए से लेकर 34-35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में मध्य प्रदेश के प्याज का भाव रहा। किसान साथियों बात करें पूना बेल्ट के प्याज की, तो पूना के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों जिनका कलर बढ़िया है साइज बढ़िया है उनका भाव आज 34 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है पुणे के प्याज का भाव आज दिल्ली आजादपुर मंडी में रहा। किसान भाइयों अपने प्याज के किसान भाइयों को मैं एक बेहद जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अब जो है प्याज जो बाहर से आना था अब उसे जो है रोक दिया गया है। अभी जो है मंडी में बाहर वाला प्याज नहीं आएगा और अपने जो है इलाके का ही प्याज जो है बिक्री होता रहेगा। तो किसान भाइयों एक ये भी बहुत ही अच्छी खबर है कि अगर बाहर का प्याज नहीं आता है मंडी में तो जो है प्याज के भाव में और भी आप लोगों को इजाफा देखने को मिल सकता है। बहरहाल किसान भाइयों जो स्थिति इस समय प्याज के भाव को लेकर बनी हुई है मंडी में वो बहुत ही सम्मानजनक और ठीक ठाक बनी हुई है। तो किसान भाइयों गोल्डन चांस है आपके पास प्याज को बेचने के लिए। आप जो है प्याज को मंडी में फटाफट जो है बेचते रहिए और जेब में पैसे रखते रहिए किसान भाइयों, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो टोटल अगर हम आज प्याज के भाव की बात करें किसान साथियों, तो नीचे में जो भाव रहा किसान भाइयों 25 रुपए से लेकर 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और जो ऊपर में भाव रहा प्याज का किसान भाइयों वो 30 रुपए से लेकर 34-35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज का भाव रहा। किसान भाइयों ग्राहकी की बात करें, डबल ग्राहकी जो है देखने को मिल रही है, भीड़ भाड़ जो है आज देखने को मिल रही है मंडी में। सुबह सुबह जो जानकारी दिल्ली आजादपुर मंडी से मिली किसान साथियों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट अवगत कराया। अगर वीडियो जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।